नमस्कार साथियों, इज एसबीआई लाइव रिटायर्ड स्मार्ट प्लस पेंशन प्लान टैक्स फ्री? क्या एसबीआई लाइव रिटायर्ड स्मार्ट प्लस प्लान टैक्स फ्री होता है? तो साथियों, इसका जवाब है यस। हाँ, ये एक टैक्स फ्री होता है। और इनकम टैक्स के कौन से सेक्शन इसमें लगते हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। लेकिन टैक्स के बेनिफिट जानने से पहले हमें 3-4 पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है इस तरह के प्लान लेने से पहले। साथियों, जब भी हम इस तरह के प्लान लेते हैं, चाहे वो सेविंग प्लान हो, इंश्योरेंस प्लान हो, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान हो, म्यूचुअल फंड, पीपीएफ, एनपीएफ या होम लोन आदि, उसमें हम एक चीज़ ज़रूर देखते हैं, क्या इसमें टैक्स बेनिफिट है, और टैक्स बेनिफिट है तो कौन से सेक्शन में लगते हैं। इसी तरह से एसबीआई के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड या पेंशन प्लान से रिलेटेड, तो उनमें भी टैक्स बेनिफिट इंक्लूड्स होते हैं। लेकिन उससे पहले इम्पोर्टेंट कुछ 2-3 चीज़ें हैं। वो है कि अगर आप सेविंग प्लान लाइफ इंश्योरेंस का कोई ले रहे हैं, एसबीआई लाइफ का कोई सेविंग प्लान ले रहे हैं, या फिर आप एसबीआई लाइफ रिटायर स्मार्ट प्लस प्लान ही ले रहे हैं, तो उसमें आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए और अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए। आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। स्पाउस या डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए वो प्लान ले रहे हैं तो उसकी शर्त ये होती है कि उसकी जो प्रीमियम जा रही है वो आपकी इनकम से जा रही हो, तब आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन साथियों, इसमें एक चीज़ और निकल कर आती है, अगर आप और आपका स्पाउस दोनों ही एम्प्लॉयड है, अर्निंग है, और अगर दोनों ही एक ही प्लान का टैक्स बेनिफिट लेना चाह रहे हैं एक ही साल में, तो वो अलाउड नहीं है। यानी कि एक लाइफ इंश्योरेंस या फिर सेविंग प्लान का बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट एक पर्सन एक ईयर में एक बार ही ले सकता है, दोनों जने नहीं ले सकते हैं। सो यू एंड योर एम्प्लॉयड स्पाउस कैन नॉट क्लेम लाइफ इंश्योरेंस टैक्स बेनिफिट ऑन द सेम प्लान इन वन ईयर। ये हमें ध्यान रखना होता है। तो साथियों, आप हर तरह के इनकम टैक्स के लिए एलिजिबल होते हैं, बेनिफिट के लिए, एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल होते हैं, एज पर जो भी टैक्स इनकम टैक्स के लॉज बने हुए हैं इंडिया में उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जो समय के हिसाब से टाइम चेंज होते रहते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। इसके अलावा कि जितने भी प्रीमियम आपने पे किए ईयरली या हाफ ईयरली, वो आप ATCC के अंदर अपने ITR में क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा जो क्लेम होते हैं, मेच्योरिटी क्लेम होते हैं, वो भी आप सेक्शन 10D के अंतर्गत इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसका आंसर यस है। SBI लाइफ रिटायर स्मार्ट प्लस या SBI के जितने भी सेविंग प्लान या पेंशन प्लान है उसमें आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो साथियों, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।